दोस्तों, जानवर हो या इंसान, सभी के मन में भावनाएं होती है और इन्हीं भावनाओं के कारण इंसानों से जानवरों का अनोखा रिश्ता बन जाता है, जो रिश्ता जानवर अपनी जान देकर भी निभाते हैं। लेकिन कई बार इंसान जानवरों के अच्छे बर्ताव को समझ नहीं पाते, तो आज हम आपको ऐसी कुछ घटनाएं दिखाएंगे जिनसे आप अपनी आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को जरूर दबा देना। साथियों, कई बार जानवर कुछ ऐसी प्यारी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे एक भावुक घटना कैमरे में कैद हुई, जिसमें 59 वर्ष की ये चिंपांजी बहुत बीमार थी और जिंदगी के आखिरी पल जी रही थी। उसने खाना भी बंद कर दिया था, लेकिन तब अचानक से उससे उसकी सबसे पुरानी दोस्त मिलने आई, जिसे देख इस चिंपांजी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने अपनी दोस्त को पहचान लिया और उसे एक प्यारी झप्पी दे दी। फिर दोस्त के प्यार से दुलारने पर चिंपांजी चैन से सो। जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब उनके बीच में दिल का रिश्ता बन जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ इस कुत्ते और इसे माँ की तरह पालकर बड़ा करने वाली गाय के बीच हुआ। वैसे तो आपने गाय और कुत्तों को एक दूसरे से थोड़ी नफरत करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब गाय को वहाँ से ले जाया जा रहा था, तब गाय वहाँ से जाने से बचने की कोशिश कर रही थी और रुकी नाम का बच्चा अपनी माँ को जाता देख रो रहा था। गाय के जाने के बाद रुकी उसकी आवाज को फॉलो करते हुए दौड़ते दौड़ते उस तक पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटे मिलकर खुश हो जाते हैं। सच में दो अलग अलग जानवरों के बीच का प्यार देखकर भाई मेरा तो दिल भराया। कुत्तों और इंसानों को एक दूसरे का दोस्त माना जाता है। जहाँ कुत्ते वफादारी करते हैं, वहीं इंसान उन्हें प्यार करते हैं। अब इस दिल दहला देने वाले क्लिप को देख लीजिए, जिसमें कुत्ते का पिल्ला नाले में गिर जाता है और उसकी माँ चाहकर भी उसे बचाने का रास्ता नहीं खोज पाती और माँ और बच्चा दोनों तड़पते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक महापुरुष पहुँच जाता है, जो कि नाले के पास लेटकर प्लास्टिक की स्ट्रे की मदद से पिल्ले को बाहर निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार ये आदमी उसे बचा लेता है और प्यार से सहलाता है। फिर उस पिल्ले की माँ इसे वहाँ से लेकर चली जाती है और एक सैड स्टार्टिंग हैप्पी एंडिंग में तब्दील हो जाती है। समंदर में इतने प्रकार की मछलियां पाई जाती है कि आज तक साइंटिस्ट का मछलियों की प्रजातियों पर रिसर्च खत्म नहीं हो पाया। कुछ रेयर मछली प्रजातियों में से एक है फ्लैश लाइट फिश। इन मछलियों की आंखों के निचले भाग में बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइट को ऑन करने के लिए ये फिश बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स को बाहर की तरफ पुश करती है, जिससे बैक्टीरिया चमकने लगते हैं। फ्लैश लाइट फिश इस रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी प्रजाति की मछलियों से बात करने, उन्हें आकर्षित करने और यहाँ तक कि शिकारियों से बचने के लिए भी काम करती है। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने वेनम मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें वेनम दूसरे जानवरों को जिंदा खाता है। भले ही वेनम एक साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में मरीन फ्लैटवॉर्म नाम का एक कीड़ा मौजूद है, जिसे रियल लाइफ वेनम के नाम से जाना जाता है। इस क्लिप में आप देखेंगे काले रंग का कीड़ा कैसे केकड़े के शरीर के ऊपर कब्जा करके उसे जिंदा खा जाता है। सच में एक छोटे से कीड़े को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। जिन खास प्रकार के केकड़ों को देख रहे हैं, इन्हें सैंड बबलर क्रैब्स कहा जाता है। ये केकड़े मिट्टी को खाते हैं और उसे अपने माउथ पैड्स में फिल्टर करके छोटे छोटे सैंड बॉल्स के रूप में बाहर छोड़ते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इनका खाना मिट्टी में रहने वाली रीढ़ की हड्डी बिना वाले छोटे कीड़े मेफौना होते हैं। मिट्टी को चबाने के दौरान वो मिट्टी में से इन छोटे जीव को खा लेते हैं और फिल्टर्ड सॉइल बॉल्स को बाहर निकालते हैं। ये छोटे कद के केकड़े सैंडविच पर रहते हैं और अपने बिल के आसपास की 1 मीटर की मिट्टी को साफ कर देते हैं। इनका काम इतना तेज होता है कि ये केकड़े मिलकर कुछ ही घंटों में पूरे बीच पर मिट्टी के बॉल्स फैला देते हैं। दोस्तों, हम अपने घर की दीवार पर जो छिपकली देखते हैं, इस दुनिया में सिर्फ उसी प्रजाति की छिपकलियां नहीं है, बल्कि छिपकलियों की अनेक प्रजातियां हैं, जिनमें से एक है फ्रिल नेक्ड लिजर्ड, जिसके चेहरे के पास में पंख होते हैं। इस क्लिप को देखिए, जिसमें जब पाइथन छिपकली पर हमला करने के लिए इसके पास जाता है, तो ये चीखते हुए अपने फेस विंग्स को खोल देती है और भागने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रिल नेक्ड लिजर्ड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है, जिस रफ्तार पर कोई सांप इसे पकड़ नहीं सकता। और इतनी तेज रफ्तार से भागने पर इस छिपकली का बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके विंग से टकराने वाली हवा इसे ठंडा रखती है। अब इस भेड़िए को देखिए, जो इस गड्ढे में गिरकर फंस जाती है, लेकिन ये लड़का किसी भी तरह से उसे खींचकर बाहर निकालता है और बाहर निकलते ही भेड़ डर के मारे हड़बड़ाहट में भागने लगती है और बड़ी छलांग लगाकर गड्ढा क्रॉस करने के चक्कर में एक बार फिर गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। नॉर्थ अमेरिका के बर्फीले इलाके की क्लिप देखिए,
जहाँ रहने वाली लोमड़ियाँ शिकार करने के लिए सबसे पहले बर्फ के नीचे शिकार को स्पॉट करने की कोशिश करती हैं, फिर जोर से ऊंची छलांग लगाकर बर्फ की सतह पर अपना मुंह दे मारती है जिसमें बर्फ में गड्ढा हो और वो तेजी से अपने शिकार को दबोच सके। दिन में कई बार कोशिश करने और मुंह पर चोट खाने के बाद कई बार खाना हाथ लगता भी है और कई बार नहीं भी, लेकिन ये कोशिश करती रहती है। अब इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आदमी सांप को पकड़ने के लिए कुछ तरकीब निकाल रहा था, लेकिन अचानक सांप को पकड़ने के चक्कर में सांप इसके कपड़े के अंदर ही घुसने लग गया। सांप के इस हरकत को देखकर इस महाशय के डर के मारे चीखें ही निकल गई। इस दृश्य को देखकर भाई हमें तो बड़ा मजा आया। साथियों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम आपको दुनिया की सबसे दुर्लभ चींटियों से मिलवाने जा रहे हैं। इसे लुटेरी चींटियों के नाम से जाना जाता है। ये चींटियां इतनी बड़ी होती है कि युद्ध की स्थिति के दौरान ये एक बस की तरह काम करती है और वॉर जोन में अन्य चींटियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सिर्फ एशिया में पाए जाने वाली कैरेबरा डायवर्सा प्रजाति की चींटियां सिर्फ इमरजेंसी के दौरान दिखाई देती है, और ये चींटियां सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि प्लास्टर, कंक्रीट और यहाँ तक कि प्लास्टिक को भी खोद कर अपना रास्ता बना लेती हैं। क्या आपको इन चींटियों के बारे में पहले पता था? कमेंट करके बताना। अब 24 अक्टूबर 2020 के दिन की घटी एक घटना को देखिए जिसमें वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पहली बार एशियन जॉइंट हॉर्नेट के घोंसले को तोड़ने का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। दरअसल हॉर्नेट यानी तीखा डंक मारने वाला कीड़ा होता है और एशियन जॉइंट हॉर्नेट दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्नेट होती है। आप क्लिप में देखेंगे कैसे यह हॉर्नेट एक साथ मिलकर इन कीपर्स के ऊपर हमला कर देती है। ये तो अच्छी बात है इन्होंने सेफ्टी सूट पहना था। दोस्तों अगर हम कहें कि मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए 3-4 घंटे शांत माहौल बनाकर बैठने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें अपने हाथों के जरिए जितनी चाहे उतनी मछलियां पकड़ने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको एशिया के इन क्रेजी फिशेस के बारे में बताते हैं। ये मछलियां मोटरबोट की आवाज से काफी डरती हैं, इसलिए जब भी इंजन वाली मोटरबोट्स इनके इलाके में आती है तब ये मछलियां पानी से बाहर कई फीट ऊंची छलांग लगाती है, और जब इन मछलियों का एक पूरा झुंड उस इलाके में होता है तब यह इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित होती है। दोस्तों हाल ही में इंटरनेट पर एक दिल दहला देने वाली क्लिप वायरल हुई जिसमें एक बेबी ड्रैगन पानी में तैर रहा था। इस क्लिप को देखकर कई लोगों ने इसे सच माना और कई लोगों ने शंका दिखाई, इसलिए हमारी टीम ने इंटरनेट पर रिसर्च किया और पता लगा ये एक असल ड्रैगन नहीं बल्कि एनिमेशन है जिसे चाइना के एक आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। खैर भविष्य में क्या कभी हमें ड्रैगन प्रजाति असल में देखने को मिल सकती है? अपनी राय कमेंट में देना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा देना, और अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं तो बदले में आपको मिलेगा एक प्यारा सा दिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।